हेलो स्टूडेंट, अभी इसके पहले हम लोगों ने देखा कि मोमेंटम क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का रेडिएशन प्रेशर क्या होता है, इंटेंसिटी क्या होती है, एनर्जी डेंसिटी क्या होती है। अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। आइए फिर हम डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एन एक्सेलरेटेड चार्ज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक एक्सेलरेटेड चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस होती हैं एंड डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। अपने प्रोपेगेशन के लिए इनको किसी मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मीन्स ये हमेशा एक एक्सेलरेटेड चार्ज के द्वारा या ऑसिलेटिंग चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस होती हैं और इनको प्रोपेगेट करने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये इनकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। आइए सेकंड प्रॉपर्टी देखें, द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मीन्स किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। और जिस डायरेक्शन वो वेव जा रही होती है उसके परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्ज इन नेचर, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ट्रांसवर्ज होती हैं नेचर में। क्या होती हैं? ट्रांसवर्ज होती हैं नेचर में। द ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन द सेम फेज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम फेज में ऑसिलेट करते हैं। इसका मतलब ये हो गया, इट मीन्स बोथ एक्वायर देयर जीरो मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूली ऑल टुगेदर। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड अपनी जीरो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को एक साथ अटेन करते हैं। सेम फेज का ये मतलब हो गया, भले इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं लेकिन वो सेम फेज में होते हैं। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल विद द सेम स्पीड इन फ्री स्पेस इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट, c इक्वल टू 1/√μ0ε0=3×10⁸ मीटर पर सेकंड। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं सब फ्री स्पेस या वैक्यूम में सेम स्पीड से ट्रेवल करती हैं, वो वैल्यू होती है c=1√μ0ε0, इसकी वैल्यू होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। ओके, आइए देखें, और बट इन अ मटेरियल मीडियम, किसी मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड हमेशा लाइट की स्पीड से कम होती है और वो होती है v=1/μ/ε=c/n। यहाँ पर एप्सिलॉन क्या है? उस मीडियम की परमिटिविटी है। म्यू क्या है? उस मीडियम की मैग्नेटिक परमिटिविटी है। और c/n यहाँ पर क्या है? रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है। n क्या है? रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है मीडियम का। द एम्पलीट्यूड रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाई e0/v0=c होता है, जहाँ c स्पीड ऑफ लाइट है, ये होता है 1/√μ0ε0 के इक्वल। ओके, ये एम्पलीट्यूड है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू है। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी इन स्पेस थ्रू विच दे ट्रेवल एंड दिस एनर्जी इज इक्वली शेयर्ड बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। जब भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्री स्पेस से ट्रेवल कर रही होती है तो वो अपने साथ इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी को कैरी करती है और टोटल एनर्जी दोनों में इक्वली शेयर्ड होती है, जिसको हम एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। ये होती है u=½ε0e²+v²/2μ0, ये टोटल एनर्जी डेंसिटी होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसपोर्ट लीनियर मोमेंटम एज दे ट्रेवल। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल करती हैं तो अपने साथ लीनियर मोमेंटम को ट्रांसपोर्ट करती हैं। अगर कोई परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस है तो उसके उस पर लीनियर मोमेंटम होगा p=u/c। u क्या है? टोटल एनर्जी। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा तो p=2u/c, जहां c स्पीड ऑफ लाइट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड सिंस दे डू नॉट कंटेन चार्ज पार्टिकल।
जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होती हैं, क्योंकि ये किसी चार्ज पार्टिकल से मिलकर तो बनी नहीं होती हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ओवे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन दे आल्सो शो द रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करती हैं, ये रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन को जो है फिनोमिना को रिप्रेजेंट करती हैं शो करती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द ऑप्टिकल फिनोमिना। जितनी लाइट प्रॉपर्टी के होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की वजह से होती है। सो दे आर कॉल्ड लाइट वेक्टर, इसलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को लाइट वेक्टर भी कहते हैं। दे एग्जर्ट्स प्रेशर कॉल्ड रेडिएशन प्रेशर। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसी सरफेस के ऊपर गिरती हैं तो ये प्रेशर एग्जर्ट करती हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिएशन प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडिएशन प्रेशर बोलते हैं। और इस रेडिएशन प्रेशर को अमेरिकन साइंटिस्ट निकोल ने और विजिबल लाइट के रेडिएशन प्रेशर को मेजर किया था, और उन्होंने देखा इसकी वैल्यू 10^7 × 10^10 निकाल साइंटिस्ट थे अमेरिका के, उन्होंने विजुअल लाइट के रेडिएशन प्रेशर को मेजर किया था, वो देखा था वो 7 × 10^6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आया था। 7 × 10^6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आया था। और उन्होंने जो है मेजर किया, फोर्स जब मेजर किया था तो फोर्स आया था रेडिएशन का 7 × 10^-9 न्यूटन आया था। मीन्स अमेरिका के साइंटिस्ट उनका नाम था निकाल, उन्होंने 1903 में विजिबल लाइट के रेडिएशन प्रेशर को मेजर किया तो वो वैल्यू ये आई थी, और विजिबल लाइट के फोर्स को मेजर किया तो वो ये आया था। प्रेशर आया था 7 × 10^6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स आया था 7 × 10^-9 न्यूटन। ये विजिबल लाइट का रेडिएशन प्रेशर है, और ये विजिबल लाइट का जो है वो आपका फोर्स एग्जर्ट किया गया। तो ये रहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज, ये इम्पॉर्टेंट है, आपको लर्न कर लेना है, नोट बना लेना है और अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लेना है। जहाँ ना समझ में वो आप राइट करेंगे। ओके, रेडिएशन प्रेशर कभी कभी इस विजुअल लाइट के रेडिएशन प्रेशर की वैल्यू भी पूछ ली जाती है, तो ये भी आपको लर्न होना चाहिए। ओके।